मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज भाई का मोटा खर्चा होने वाला है गाइस, मोटा खर्चा। बहुत बड़ा पैकेट मिल गया तो तुमको, बहुत बड़ा पैकेट मिल गया, बहुत सारा चीज है इसीलिए। मतलब पूरा कोलकाता में ये नाउंस केक का बहुत फेमस है। Hey guys, welcome back to my new vlog. So, आज का vlog है कोलकाता जा रहे हैं और कुछ परचेस कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को आई थिंक थंबनेल और टाइटल में मालूम चल जाएगा, और नहीं दिया तो आगे का vlog देखते रहो क्या होता है और क्या नहीं। और एक vlogger से आज मीट कराएंगे आप लोगों को। क्या बोलते हो सुमित, सो रहा है क्या? सो गया, तो चलो। करीब है बहुत, अभी यहाँ पर हुगली ब्रिज से उतर के अभी जा रहा है ये देखो। और हमारा जो अंकल है वो भी आएगा, और एक बोला ना एक यूट्यूबर से मिलाएंगे वो भी आएगा, आप लोगों को दिखाते हैं, चलो बिना देरी के। सो गाइस ये देखो, ये ब्रिज के नीचे गाड़ी पार्किंग हो गया हमारा, अब यहाँ से वॉक करके चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो रोड साइड पार्किंग है 90% टाइम मिलता ही नहीं है कि फुल ही रहता है, तो चलो। ये देखो गाइस, इस प्लैनेट के रास्ते में हैं हम लोग, ये देखो, तो जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वहीं पर मिलना है हम लोगों को वो एक जो बोल रहा था यूट्यूबर, मैं बोल रहा हूँ हंसता भी था, तो उससे मिलना है, तो वहाँ पर उन्होंने बोला है कि तो उसने बोला है वहाँ पर मेट्रो स्टेशन नंबर 1 में जाने के लिए, तो चलो गाइस। ये प्लैनेट ना हर टाइम पूरा बिजी रहता है, इतना बिजी देखो, हर टाइम यहाँ पर इतना ही लोग रहता है। बोलिए बोलिए भैया, ये देखो इस प्लैनेट का सामने है, ये ऐसा है। और मैं और भाई अभी वॉक करके मेट्रो स्टेशन जाता हूँ। सो गाइस अभी मिल गए हम लोगों को सोमित चला जी, आपका हस्ता लग रहा है। यो इट्स अ बॉय, चल भी। लेकिन एक सेकंड, तो अभी इसने बोला पहले गेट नंबर 1 में आने के लिए, फिर बुलाया 6 में, फिर से थोड़ा इधर उधर हो जाता है गाइस। तो अभी आ गए कैमरे के स्टॉप के सामने एकदम। भाई का आज मोटा खर्चा होने वाला है गाइस, मोटा खर्चा गाइस, भाई का आज मोटा खर्चा होने वाला है, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, इस ब्लॉग को मिनिमम 2-3 हज़ार व्यूज तो आना चाहिए मेरे भाई, आना ही चाहिए। चलो दुकान में चलते हैं, और आज मोटा खर्चा होने वाला है गाइस, पूरा ब्लॉग देख रहे हो एकदम चिरफार गाइस, चिरफार एकदम। यह है रश्मि फोटोग्राफिक्स, यही दुकान पे है, देखो ये है शॉप, चलो। मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज मोटा खर्चा हो गया गाइस, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? उसमें कितना गया, 500 का वेट ले पाएगा भाई का मोटा खर्चा हो रहा है गाइस। इधर किडनी सही जगह है ना है, चलो ये भी सही है। कैसा लग रहा है, मोटा खर्चा हो गया? मोटा बहुत खर्चा हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इस चीज के लिए 1K एकदम पक्का होना चाहिए, 1K सब्सक्राइबर्स और 2-3K व्यूज ये ब्लॉग में आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, आना चाहिए मेरा चैनल देख रहे थे ब्लॉग में, एक ही तो है सब, सब एक ही है, मेरा 1K हो गया।
वन के हो गया, व्यूज तो आना चाहिए, व्यूज आना, 5 आवर कंप्लीट करा दो भाई, इसका 54000 चालू हो जाएगा भाई। कितना सारा चीज लिया देख लेना, क्यों बोलूंगा, तू बोल कितना खर्चा हुआ बोल। नहीं भाई खर्चा तो मेरे दिल में लग रहा है एकदम एकदम 55 तो एकदम खर्च करके गया, अभी कितना बाकी है वो देखते हैं। और रेडी हो गया है ये सब, अभी रेडी होगा, आपको सिनेमैटिक्स दिखाते हैं। तो बॉयज मोटा खर्चा का कैसा लग रहा है भाई? बहुत बुरा लग रहा है, कितना दिल में दर्द हो रहा है। बड़ा वाला पैकेट दिखाओ जो मिला, बहुत बड़ा पैकेट मिल गया, तो तुमको बहुत बड़ा पैकेट मिल गया, बहुत सारा चीज है इसीलिए। तो घर जाके लोगों को दिखाओगे? हां थंबनेल में तो दे दूंगा, आई थिंक थंबनेल में तो लोगों को पता चल चुका है, बाकी तुम घर जाके पूरा डिटेल्स में बता देना एकदम। चलो, और अभी वो बोल ही रहा था कि वो शॉट ले लेगा, लेकिन दिक्कत यही है कि मतलब बैटरी जो स्टॉक बैटरी आता है कैमरा में उसमें 2% का बैटरी है, और जो नया वाला बैटरी है उसमें चार्ज ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं। लेट्स गो 1X2 का बैटरी भी लाया था? हाँ मैंने अपना वाला बैटरी लाया था, लेकिन वो 1X3 में सपोर्ट नहीं करता। भैया जूता कितना करके है? जूता कितना करके है भैया? हाँ 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा। चल रहे तो चलो आगे मिलते हैं। तेरा काका आ गया, अंकल आ गया, ब्रो कहाँ से फोन उठा रहा, ब्रो ब्रो व्हाट्सअप, एक 30 को आने वाले थे तुम, ये देखो टाइम कितना बज रहा है, 260 कितना बजे आने वाले थे, 30 को आओगे और इधर आ गए 5 मिनट्स लेट, 35 मिनट्स ए लेट्स होता जा गाइस। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अमीनिया, और इसका सिर्फ हम नहीं ये भी है, और इसका सब है? इसका सैटरडे है विद, मेरा सैटरडे है ब्रो, मेरा ट्यूसडे, मेरा फ्राइडे है, मेरा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तीनों वेज है। ये लोग अमीनिया में मेरे सामने बिरयानी खाएंगे भाई, तुसेंगे। मैं तो भाई समझ रहा हूँ, इन लोगों को बस देखेंगे, समझ रहे हो तुम, दुख दर्द पीड़ा। सोचो सिर्फ हम लोग इसके सामने बैठ के बिरयानी खाएंगे, इसका कितना दुख होगा क्या बोलते हैं। इसी बात पे साइन को सब्सक्राइब कर दो एक बार भाई, ये मेरा असली भाई भाई। एक गजब का चीज़ देखोगे, एक गजब का चीज़, तुम चिकन बिरयानी, हम बोलपुर में रहते हैं, घुसकर में रहता है ना, चिकन और मटन बिरयानी का प्राइस अलग होता है, ये सबको पता है, मेरे को भी पता है, इसको भी पता है। बोलपुर में शायद चिकन बिरयानी लगभग 100 रुपया का है, और मटन शायद 120-130 का है, तो इधर दोनों का प्राइस सेम है, मतलब भाई मतलब तुम एक चीज़ देखो तो, हाँ भाई आवाज़ आ रहा है माइक खोल के, तुम एक बात बताओ कैसे सेम हो सकता है दोनों सेम प्राइस, मतलब भाई मटन का उतना ही इज्जत है जितना चिकन का है, समझ रहे हो तुम करना क्या चाहते हो, हाँ क्या करना चाहते हो, पूरा डिस्टर्ब करना है अभी टाइम टाइप। ये देखो दोनों 250 रुपीज, ये हो कैसे रहा और ये व्लॉग में एक जरूरी मतलब आपके लिए नोटिस है कि मतलब ये लड़का का मुंह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना उम्र है तेरा? 21 साल से सिंगल है, हम वन मैन आर्मी हैं। चलो फिर मिलते हैं खाना आने के बाद। बिरयानी आ चुका है, मैं चिकन खा रहा हूँ, ये अमीर मटन खा रहा है, ये भी अमीर मटन खा रहा है, वेज तुम तो वेज, मेरा पनीर आ रहा है गाइस। अमीर तुझे है कि दाम निकल लेकिन नहीं पता ये डेविल हार्दिक। एक YouTube वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है मेरे को पता है ब्रो। एक यूट्यूबर ही समझ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ यार भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, हम बस तुमको कोई पैसा का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ये सपोर्ट इतना मोटिवेट करता है ना भाई, बस इसीलिए बोल रहा हूँ, बस भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मोटिवेशन झक मार के आ जाएगा।
एकदम एकदम चल रहा है ये, पर कुछ सोच रहा है डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर मटन, यहाँ पर चिकन, यहाँ पर इसका वेज पनीर, तंदूरी नान, तंदूरी नान और पनीर, तंदूरी नान, तंदूरी नान और पनीर, मटन मिडल, दो सलाद, बाकी सब बढ़िया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स गो। अभी नाउंस में आ चुके हैं, कोलकाता का एस्प्लेनेट का वन ऑफ द फेमस केक शॉप, मतलब एस्प्लेनेट नहीं, मतलब पूरा कोलकाता में ये नाउंस केक शॉप बहुत फेमस है। तो आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का व्यू। हेलो गाइस, ये नाउंस का केक है, ये वाला हमने चूज़ किया। अंदर देखो गाइस, पूरा बहुत बड़ा लोगों से खड़ा हुआ लिया। अभी जाएंगे गाड़ी के ओर। सो गाइस, अभी खाना पीना हो चुका है और केक भी ले लिया है नाउम से। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी के ओर, हमारा गाड़ी तो पार्किंग है दूर थोड़ा, वॉक करके जा रहे हैं। अभी जाएंगे मनी स्क्वायर, मनी स्क्वायर वहाँ पर जाके फिर से वही होगा, कैमरा अंदर घुसाओ और फोन से ब्लॉक करो, वो लोग यही बोलेंगे, प्रमोट तो नहीं करते। उधर एक और लड़का आएगा जिसको आप ब्लॉग में पहली बार बहुत बार देख चुके हो, गौरव हमारा कॉमेडियन, गौरव थे वन एंड ओनली, कोई पर्पस नहीं है जिंदगी में। तो गाइस अभी गाड़ी पार्किंग के यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से एंट्री है, वहाँ पर गाड़ी है हमारा। तो चलो, वो लोग पीछे है, मैं आगे वॉक कर रहा हूँ, चलो। ये एक फॉर्च्यूनर, वो एक फॉर्च्यूनर, हम लोगों को कॉन्वॉय लेकर जा रहा है। क्या बोल रहे हो तुम, वीआईपी हो यार, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो साइंस ब्लॉग, नहीं नहीं साइंस ब्लॉग के लिए नहीं, हस्तला विस्ता चल भी चल भी। देखो मैं बहुत जगह गया हूं, उस टाइम तो कॉन्वॉय नहीं आया, आज तुम आए इसीलिए कॉन्वॉय आ गया। उस टाइम सीक्रेटली एनएसजी आता, तुम बताते नहीं हो यार। अच्छा अच्छा, तू झूठ बोल रहा है, इसलिए हम अनएडजस्टेबल इनएडजस्टेबल होकर बैठे हैं। ये तीनों को पीछे बैठने के लिए बोला क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ ना। ये चेक करें बॉयज, कौन है। सो गाइस अभी मनी स्क्वायर से घर जा रहे हैं, तो चलो अभी घर जाते हैं। अभी हम घर पहुंच चुके हैं और अभी ये है नेक्स्ट डे। तो अभी हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं हमारा इंस्टा 360, मतलब क्या क्या एसेसरीज लिया था वो दिखाने वाले हैं। कैमरा तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो आप लोगों को सेटअप दिखाते हैं। अभी भाई चला गया है तो इसीलिए मेरे को ये गोप्रो फिट करके अभी अनबॉक्स मतलब दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। सो आप लोग आगे का वीडियो देखते रहो। सो गाइस बैक टू द ओल्ड सेटअप, अभी मैं देख रहा था पुराने वीडियोस, यहाँ पर मैं अनबॉक्स करता था, अभी अनबॉक्सिंग तो बहुत कम हो चुका, मतलब मैं अनबॉक्स नहीं करता उतना।
बट ये आप लोगों को दिखाना बनता है, क्योंकि जो लोग इंस्टा 360 लेना चाहते हो ये एक्सेसरीज परचेस करो, ये मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत एक्सपेंस हो जाएगा पर कैमरा आप लोगों का बिल्कुल सेफ रहेगा। तो आप लोगों को दिखाते हैं अभी क्या क्या लिया है मैंने एक्सेसरीज में। सो गाइस पहला आता है ये इनविजिबल स्टिक, जो कि पड़ता है हमारा इंडियन रुपीज़ में, MRP आता है 4000 का, अभी इसका प्राइस चल रहा है 2600 या 700। तो ये मैंने लिया है और ये इंस्टा 360 ऑफिशियल स्टिक है। अभी इसके साथ कैमरा सेफ्टी के लिए लेंस कैप भी लिया है, आप लोगों को एक बार दिखाएंगे सब कुछ। अभी ये रहा, और लिया है स्टिकी लेंस गार्ड, ये भी इंस्टा 360 का आता है, इसका प्राइस पड़ता है 2700। ये जो गार्ड रहता है वो सब दिखाएंगे आप लोगों को, और जो कैप आता है लेंस कैप वो 1000 रुपया का रहता है। और यहाँ पर क्या क्या है, और बैटरी भी मैंने एक लिया है एक्स्ट्रा, जो कि आता है 5000 का। तो ये है, और जो मतलब चाहिए ही कैमरा के लिए वो है SD कार्ड, जो कि मैंने 128GB का लिया है, क्योंकि जो शॉप वाले थे वो लोग बोले कि यही बहुत है इंस्टा 360 के लिए, तो ये भी मैंने ले लिया, जो कि मेरे को पड़ा 2900 का। तो ये भी है, और जो मेन चीज़ इंस्टा 360 ये पड़ा मेरे को 44,000 का। तो कुल मिला के कितना हो रहा है आप लोग हिसाब लगा लो, क्योंकि तुम्हारा भाई मैथ में कच्चा है। तो अभी ये हटाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या लिया है मैंने एक फ्रेम में। ये रहा सब चीज़ें जो कि मैंने लिया है रैशनल फोटोग्राफिक से, कोलकाता के एस्प्लेनेड में शॉप है, मेट्रो गली नंबर 1 में मिलता है ये। ये रहा सब कुछ वन फ्रेम में। तो हो गया गाइस, अभी आप लोगों को दिखाते हैं वन बाई वन क्या क्या था एक्सेसरीज में, फिर इन लोग हटाते हैं ये सब चीज़ों को। अभी ये रहा मेरा कैमरा, तो इसमें पहला आता है, मैं ओपन कर लेता हूँ पहले, ये आता है पहले सेल्फी स्टिक, जो कि एक्सटेंडेबल है, बहुत लंबा होता है ये। ये देखो इतना हो गया, अभी ये बहुत है एक्चुअली, आप लोग देख सकते हो कितना वाइड व्यू देगा ये। तो ये मैंने लिया है, अभी इसको यहाँ पर एक नट रहता है, मतलब होल रहता है, उसमें ऐसे डाल के घुमा देंगे तो पूरा फिक्स हो जाएगा, और ये बहुत ही सेफ्टी है। और मैं प्रेफर करूँगा आप लोग अगर स्टिक ले रहे हो तो इंस्टा 360 का ही लें, क्योंकि वरना कैमरा सेफ नहीं रहेगा। इसके बाद आता है हमारा जो है ये लेंस कैप, जो कि अब बहुत ही हार्ड, मतलब ये सॉफ्ट वाला है पर बाहर से पूरा हार्ड है। आप लोगों को दिखा सकते हैं, अभी कैमरा कहाँ पर रखे, यहाँ पर रखते हैं, हाँ ये देखो पूरा ये वाला साइड ना पूरा हार्ड है, और इस साइड से कैमरा डालना पड़ेगा, और बल्कि सेफ है क्योंकि कैमरा लेंस के लिए ये वाला। अभी ये आता तो है कैमरा पूरा थोड़ा सा हल्का बल्कि वाला, पर जो इसका लेंस कवर रहता है आप लोग ध्यान से देखोगे तो थोड़ा ओवल टाइप शेप का है, मतलब थोड़ा बाहर निकला हुआ। तो ये है कैमरा का प्रोडक्शन के लिए, और हम लोगों ने ये भी ले लिया, और मेमोरी कार्ड रहता है यहाँ पर, ये बैटरी वाला जो सेक्शन है ये आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा ऐसे, और इसके अंदर और यहाँ पर एक पोर्ट है SD कार्ड वाला पोर्ट, वहाँ पर डालना पड़ेगा, उसके बाद ये बैटरी लगा सकते हैं आप लोग और ये लॉक हो जाएगा, पूरा सेफ हो गया आप लोगों का कैमरा। इसके बाद आता है हमारा जो है आप लोगों को ज़्यादा फुटेज देने के लिए एक्स्ट्रा बैटरी, तो इसका भी एक बहुत सही चीज़ लगा एकदम। मेरा पहला ब्लॉग आप लोगों ने देखा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ब्लॉग नंबर 5 में है, और DJI Osmo वाला ब्लॉग, उसमें भी ऐसा ही ये बैटरी एक केस में आता है, इसमें एक SD कार्ड होल्डर रहता है, ये हम खोल के रख सकते हैं सेफ रहेगा। और ये रहा हमारा बैटरी, तो दो दो बैटरी हो गया, इसका सर्विस भी बहुत अच्छा है। तो ये था कुछ चीज़, और नेक्स्ट ब्लॉग भी एक परचेसिंग ब्लॉग होने वाला है। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा ID, और जो लोग फॉलो करते हो वो लोग ज़रूर देखे होंगे क्या है, और जो लोग नहीं करते अभी जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम ID को, क्योंकि यहाँ पर पहले अपडेट्स मैं देता हूँ, क्योंकि YouTube में थोड़ा दिन मतलब गैप देके मैं देता हूँ, तो इसीलिए जाओ और Instagram में फॉलो करो। अभी तुम्हारा भाई नेक्स्ट व्लॉग भी एक परचेसिंग वाला व्लॉग देने वाला है। मिलते हैं आप लोगों को बहुत ही जल्द अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून।